हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वेट लॉस के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है स्किन लूज हो जाना। अब कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारी वेट लॉस के बाद स्किन लूज हो चुकी है, वो क्यों हो जाती है? उसका एक सिंपल फैक्टर और सिंपल रीज़न है, ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोग्राम आपने वेट ट्रेनिंग नहीं की है। जब आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते या अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं लेते, अच्छा खाना या अच्छा बैलेंस डाइट नहीं लेते, ऐसे टाइम के अंदर आपके मसल ग्रो नहीं होते। जब मसल ग्रो नहीं होते तो अगर आप 100 किलो के थे और आपकी स्किन इतनी स्ट्रेच थी, इतनी फैली हुई थी, वो 60 किलो होने के बाद आपकी स्किन वही नहीं रहेगी, डेफिनेटली आपकी स्किन लूज हो जाएगी। बिकॉज वो वॉइड को फिल करने के लिए 100 केजी से लेकर 60 किलो में 40 किलो का वॉइड है, तो 40 किलो के फैट को और 40 किलो के वॉइड को फिल करने के लिए उतने मसल्स भी चाहिए। अगर उतने मसल्स आपके गेन नहीं है तो डेफिनेटली आपकी स्किन लूज ही रहेगी। एक बार ये स्किन लूज हो जाती है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अब उस स्किन को टाइट कर सको। इसके अलावा सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। तो आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। जैसा कहता है ना कि भाई अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, इसी तरह से एक बार वेट लॉस होने के बाद आप इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत मेजर है और बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको मस्कुलर हाइपरट्रॉफी पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपके मसल्स को गेन करे ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोग्राम, नॉट आफ्टर। सेकेंड कंप्लेन लोगों की होती है कि भाई लो फील करना, लथार्जी फील करना या तो लेस एनर्जी फील होना। तो ये तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज जब डाइट ऐसा फॉलो होता है जिसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं या ऐसा फूड होता है जो न्यूट्रिएंट लेस होता है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट मिलते ही नहीं है, तो ऐसे टाइम के अंदर बॉडी को एनर्जी, बॉडी को प्रोटीन के लिए और मसल डेवलपिंग के लिए प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, और बॉडी को हार्मोन कंट्रोल के लिए, इंसुलेशन के लिए फैट, ये नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली आप लो फील करोगे, विटामिन की प्रोफाइल नीचे जाएगी, जहाँ पे विटामिन B12 सबसे पहला नीचे जाएगा। इसके अलावा मिनरल की प्रोफाइल नीचे जाएगी, जहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। तो ये कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि जो आपको डाइट से ठीक करना है। डाइट से किस तरह से? तो डाइट हमेशा होलसम होना चाहिए, हाँ कम कैलोरी का लेकिन होलसम, आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। और इसकी वजह से डाइट डिज़ाइन करना डाइटिशियन का काम होता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अच्छा डाइट डिज़ाइन करें कि जिसके अंदर सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट हो। तीसरी कंप्लेन आती है कि उनका वेट लॉस प्रोग्राम के बाद वापस गेन हो जाता है। ये क्यों होता है? तो उन्होंने वेट लॉस किया होता है जिसके अंदर उन्होंने फैट का एक कतरा भी कम नहीं किया। इसका बेसिक रीज़न ये है कि वो न्यूट्रिएंट लेस डाइट फॉलो करते हैं, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब जब भी न्यूट्रिएंट लेस डाइट फॉलो करते हैं, आपके मसल धड़ कम होते हैं, मतलब बहुत रैपिडली कम होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप न्यूट्रिएंट वाला डाइट फॉलो करते हैं तो आपके मसल नहीं, सिर्फ फैट ही कम होती है। अगर आप न्यूट्रिएंट लेस डाइट फॉलो करते हैं तो ये डाइट पूरा करने के बाद या वेट लॉस करने के बाद जब भी आप फूड इंटेक पहले जैसा चालू करते हैं या हेल्दी चालू करते हैं, तो अगेन आपके मसल रीगेन होते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन फैट तो वहीं की वहीं है, तो आपका वज़न फिर से बढ़ जाता है। और यही रीज़न है कि भाई वेट लॉस प्रोग्राम के बाद वेट गेन होता है। अगर आपने फैट लॉस किया है तो फैट इतनी जल्दी गेन नहीं होती अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं। और इसी की वजह से वेट लॉस इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र करती है कि भाई इस डाइटिशियन का डाइट अच्छा नहीं है, उसका डाइट अच्छा नहीं है। लेकिन क्या आपने अपने आप में देखा है कि आपने कौन सी मिस्टेक की वेट लॉस के दौरान? अगर ये आपको पता होता तो आप डेफिनेटली ये सवाल और ये क्वेश्चन किसी डाइटिशियन के आगे नहीं उठाते। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशन जेन्यून लगे हो, अगर आप भी यही कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हो, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, जहाँ पे हमने बताया है कि भाई किस तरह से डाइट और एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें।